अस्सलाम वालेकुम। चिकन मटन सब्जी सब भूल जाएंगे जब सिर्फ 5 मिनट में मजेदार रेसिपी बना के आप खाएंगे। आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं। घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज करके इसे हम बनाएंगे। ये मजेदार और सिंपल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लें। इसमें डालिए 2 से 3 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छे से गर्म कर लें। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालिए 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून रॉयन, सॉटे कर लें, 1 या 2 तेज पत्ता डाल दें, कट करके डालिए, 4 इलायची क्रश करके डालिए, 2 हरी मिर्च कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन जाने तक इसे ऐसे ही भूनते जाएं। मैंने 3 बड़े साइज के प्याज को देखिए इस तरह से कट करके रेडी रख लिया है। इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लें। अब हम इसमें ये प्याज डाल देते हैं। प्याज को अच्छे से भून लें मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा नमक डाल दें। इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भूनने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें। इसके ऊपर लिड बंद कर दें और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होने तक लो फ्लेम पे पकाएं। प्याज तो हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक पीस के रेडी रख लिया था, इसे भी डाल देते हैं। अब इसे फिर से मीडियम फ्लेम पे भूनते जाइए। टमाटर के पेस्ट की जो कच्चापन होता है टमाटर के पेस्ट में वो जाने तक। ये सभी इंग्रेडिएंट्स यानी प्याज टमाटर घर में आराम से अवेलेबल होता है। इसे यूज करके आप ये मजेदार रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही इजी लेकिन काफी टेस्टी होती है ये। आप लोग जरूर ट्राई करें, इसे रोटी के साथ खाइए। एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट में बताएं कैसी बनी, सभी को पसंद आएगी। टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के स्पाइस पाउडर्स डाल देते हैं। तो इसमें डालिए 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल के भून लें ताकि मसाले ना जलें इसके। आप चाहें तो प्याज के थोड़े छोटे पीसेस भी काट सकते हैं। इसे अच्छे से भूनने के बाद आखिर में हम इसमें मलाई डाल देते हैं। आपके घर में तो दूध होगा, उसके ऊपर जो मलाई जमती है उसे थोड़ा सा क्रश करके या पीस के डाल सकते हैं, या फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। इस स्पून से 5 स्पून मिक्स कर लें। अब अगर आपके पास घर में कोई और वेजिटेबल अवेलेबल है जैसे कि आलू या कैरेट, वो भी आप इसमें छोटे पीसेस करके डाल सकते हैं। जब कुछ भी ना हो तो सिर्फ प्याज में ही बनाइए। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, थोड़ा नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें और थोड़े से धनिया के पत्ते। फ्लेम को लो पे रख के मिक्स कर लें इसे। लो फ्लेम पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया था। देखिए तेल साइड्स में नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा मजेदार बनी है ये और कितनी सिंपल है। देखिए देखने में ये कितनी यमी लग रही है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फ्लेम बंद कर दें। फुलके के साथ खाइए, परोठे के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए। लॉकडाउन में मैं ऐसे ही सिंपल रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। आप लोग कमेंट में बताएं आपको कौन सी रेसिपीज देखना है जो कि झटपट बनती है और सिंपल भी होती है। कमेंट में जरूर बताएं सिंपल क्विक और मजेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। शेयर जरूर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो।
कुक विद फेम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।